नमस्कार, मैं कांता पकवान कला में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू पकवान कला। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट मैंगो पैनकेक। तो उसके लिए मैंने ये एक आम का पल्प निकाल लिया है। ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं आटे से ये पैनकेक बनाऊंगी। एक कटोरी मैंने ये दूध लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी दूध ले सकती हूँ। फिलहाल मैंने एक कटोरी दूध लिया है। 2 चम्मच मैंने ये मलाई ली है। मलाई की जगह आप बटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे घर पे बटर नहीं है और मेरे बच्चों ने अभी पैनकेक खाना है, तो इसलिए मैं मलाई के साथ ये बनाऊंगी। और 2 टेबलस्पून मैंने ये चीनी ली है। मीठा आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार में ये मैंगो का पल्प और चीनी डालकर हम इसे पीस लेंगे, जब तक कि हमारी चीनी बिल्कुल इसमें घुल ना जाए। मैंने मैंगो के पल्प का पेस्ट बना लिया है। अब मैं ये आटा एक छलनी में से छानूंगी। इस आटे के साथ ही इसमें मैं 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें मैं चुटकी भर नमक भी ऐड करूंगी। अब इसे मैं छान लूंगी। अब इस छने हुए आटे में मैं ये मैंगो का पल्प डालूंगी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी गांठ रह जाए। अब इसे हम इसमें छान लेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी भी डाल दूंगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी, उसके साथ ही इसमें मैं ये मलाई भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस बैटर को तैयार करेंगे। एकदम से हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है। ये हमारा एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए। और ये एक कटोरी में से हमारा इतना सा दूध बच गया है, जितना हमने पानी डाला था उतना ही हमारा दूध ये बच गया है। अब इस बैटर को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए हम ढक कर रख देंगे। बैटर को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर अब अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे पैनकेक। पैनकेक बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन को रख दिया है। मैंने गैस थोड़ा सा तेज कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी देसी घी। आप ये पैनकेक ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन एक तो हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं और एक ये पैनकेक है, तो ये देसी घी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम पैन को गर्म होने के बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे और इस पे अपना ये थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। हम ये छोटे छोटे पैनकेक बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा घी ही मैंने इसके ऊपर डाला है। अब जब हमारा पैनकेक एक तरफ से अच्छे से पक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर ही ये पैनकेक बनाने हैं, ताकि हमारे पैनकेक अंदर तक अच्छे से सिक जाए। हमारा पैनकेक दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब इसी तरह से हम सारे पैनकेक बना लेंगे और इस पैनकेक को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे स्वीट एंड टेस्टी मैंगो पैनकेक बनकर तैयार हैं। छोटे वाले बच्चों के लिए, बड़े वाला बड़ों के लिए। मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कोई रूल नहीं है। मेरा लास्ट का बैटर थोड़ा ज़्यादा बच गया था, तो इसलिए मैंने एक बड़ा पैनकेक बना दिया है। बच्चे इन छोटे छोटे पैनकेक को देखकर और खाकर बहुत खुश होंगे। तो आप बच्चों के लिए पैनकेक ज़रूर बनाएं। बच्चों को खिलाने के लिए आप इस पे शहद भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी, मलाई या घी लगाकर भी खिला सकते हैं, लेकिन बड़े तो इसे अचार के साथ खाना पसंद करते हैं। मैंगो पैनकेक और मैंगो पिकल, आपका जैसे मन आए वैसे ही खाइए, लेकिन खाते खाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।